नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल बुलेटिन खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दोपहर 12 बजे शिवसेना की बड़ी बैठक है। शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे ने ये बैठक बुलाई है। आपको बता दें, इस मीटिंग में सभी जिला प्रमुखों को भी मौजूद रहने के लिए कहा गया। इससे पहले भी मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन ज्यादातर जो विधायक हैं वो शामिल नहीं हुए थे। इस पर कार्रवाई की भी मांग की थी। इसी बीच देखिए, सियासी संकट अब महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। दोपहर करीब 12 बजे शिवसेना की एक बड़ी बैठक है, उद्धव ठाकरे से लीड करेंगे। शिवसेना भवन में ये बैठक है। आपको बता दें कि मीटिंग में सभी जिला प्रमुखों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और चलिए एक और बड़ी खबर जान लीजिए, शिंदे कैंप से जुड़ी है बड़ी खबर। एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ अब से कुछ ही देर में बैठक करने वाले हैं। और बिल्कुल, और गुवाहाटी के रिटसन ब्लू होटल में ये बैठक होगी। अगली रणनीति की योजना बनाने पर ये बैठक की जाएगी। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 12 बजे उद्धव ठाकरे की बैठक, इसके बाद शिंदे गुट की भी बैठक होने वाली है। ये बड़ी बैठक होगी। आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा कि अब आगे क्या होगा, चूंकि अब इनके पास करीब 51 विधायक समर्थन का दावा कर रहे हैं। अब आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए ये बैठक बस थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। तो थोड़ी देर में गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में बैठक होगी। शिंदे ग्रुप की तरफ से ये बड़ी खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, शिवसेना को लग सकता है बड़ा झटका। शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ज्वाइन कर सकते हैं शिंदे कैंप, और शिवसेना विधायक भास्कर जाधव भी शिंदे कैंप में जा सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। भास्कर जाधव का फोन भी अब नॉट रिचेबल आने लगा है। धीरे धीरे देखिए, विधायक तो अब नाराज थे ही, लेकिन अब कहा यह जा रहा है दो और ऐसे विधायक हैं जो शिंदे कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 12 ऐसे सांसद हैं जो शिंदे कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक तरफ विधायक तो झटका दे ही रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए अब सांसद भी बागी तेवर अपना रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती जा रही। एक तरफ शिंदे का दावा है कि कुल 51 ऐसे विधायक है जो उनके साथ हैं, दूसरी तरफ अब देखिए अब नाम ये और बढ़ते जा रहे हैं, यानी जो आंकड़ा है, ये जो नंबर है शिंदे के पास इस वक्त, वो आगे और बढ़ सकता है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, एक बड़ा झटका देने की तैयारी में शिंदे हैं। शिवसेना को बड़ा झटका लग सकता है, और शिंदे के समर्थन में अब 8 और विधायक जुड़ सकते हैं। 8 और विधायक उनके समर्थन में आ सकते हैं, इसमें 3 शिवसेना 5 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। और बिल्कुल, सूरत के रास्ते गुवाहाटी सबरे विधायक पहुंचेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। और गुवाहाटी में हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ बनी। मीनाक्षी, एक के बाद एक खबरें आ रही हैं कि भाई सूरत के रास्ते विधायक पहुंच रहे हैं, और गुवाहाटी में खबर है कि अब सबसे थोड़ी देर बाद एक बड़ी बैठक होने वाली है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, कल ही मैंने ये जानकारी दी थी कि 5 से 7 और विधायक कहा जा रहा था जिस तरह से कि यहाँ पर आ सकते हैं, जिसमें से 3 विधायक कल देर रात यहाँ पर पहुंच गए, जिसमें संजय राठौड़ थे, दादाजी भूसे थे, और इसके अलावा देखिए रविंद्र पाठक उसमें शामिल थे। आज की अगर आप बात करेंगे, सुबह की तस्वीर यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, देखिए जो सुरक्षा कर्मी है फिर एक बार अपनी ड्यूटी पर जो है तैनात हो चुके हैं। इसके अलावा सुबह 9 बजे का समय बताया जा रहा है जब जो एकनाथ शिंदे हैं वो तमाम जो विधायक यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं उनके साथ बैठक करेंगे। अंजलि, बैठक होगी, और बैठक में आगे रणनीति क्या रहने वाली है, अगला कदम क्या रहने वाला है, अगला स्टेप क्या लेंगे एकनाथ शिंदे, उस पर चर्चा की जाएगी। कल भी देखिए एक तस्वीर आपने देखी थी जहां पर जो तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं उनके मीनाक्षी, लेकिन इन सबके बीच अहम ये है कि ये जो नंबर है, ये जो आंकड़ा इस वक्त शिंदे के पास है 51 का, ये आगे क्या और बढ़ सकता है, क्योंकि खबर ये है कि दिलीप और भास्कर जाधव दो और ऐसे विधायक है शिवसेना के जो अब गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। धीरे धीरे जो नंबर है, जो कह सकते हैं जादुई नंबर है इस वक्त, वो बढ़ता जा रहा है। कोई अपडेट आपके पास इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए प्रिया, ये फिलहाल यही यहाँ पे भी जानकारी है कि आगे आने वाले समय में और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे लगातार जो बाकी शिवसेना के और विधायक हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे जो जो मान रहा है उसको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, और वो एक तरह से आप कह सकते हैं शिंदे सेना में कहीं ना कहीं शामिल होता जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बताऊं, देखिए कल से आज तक में ही कितने ज्यादा विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जब यहाँ पर खुद आए थे एकनाथ शिंदे, जिस दिन पहले दिन पहुंचे थे परसों के दिन, तब वो 40 विधायकों को
जैसे बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी आएंगे आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। जी हिंदुस्तान से बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना रहेगा। नाना पटोले से बातचीत की हिंदुस्तान ने और उन्होंने कहा कि आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आपको बता दें कि नाना पटोले ने हिंदुस्तान से एक खास बातचीत की है। महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने वाले राउत के बयान पर बोले पटोले, राउत का बयान रणनीति का हिस्सा है। आप देखिए, समझ ये नहीं आ रहा कि ये रणनीति है या फिर ये सियासी मजबूरी है। किधर जा रहे हैं? मैं हाँ। कहाँ जाना चाहिए आप बताइए सर। हमारा सेंट्रल दिल्ली है ना। दिल्ली जा रहे हैं, महाविकास अघाड़ी बचेगा? बिल्कुल बचेगा, कोई डर नहीं। कल संजय राउत ने कह दिया कि हम महाविकास अघाड़ी से बाहर आने को तैयार हैं। वो उनका स्ट्रेटेजी है, वो इसमें अब देखे और क्या क्या होता है। आपको क्या उम्मीद है? महाविकास अघाड़ी रहेंगी। शुक्रिया सर। तो नाना पटोले कांग्रेस नेता को आप देख रहे थे, दिल्ली के लिए रवानगी उनकी हो रही है जैसा अभी खुद उन्होंने बताया, लेकिन पूरा भरोसा पूरा विश्वास उन्हें है कि महाविकास अघाड़ी रहेगी। और ये भी कहा उन्होंने कि संजय राउत का जो बयान है कि महाविकास अघाड़ी से हम बाहर हो जाएंगे, वो स्ट्रैटेजी है उनकी। कैमरा पर्सन जय के साथ शालिनी कपूर तिवारी, मुंबई, जी मीडिया। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, दो गुटों में बटी शिवसेना के बीच अब शय और मात का खेल शुरू हो चुका है। साथ ही आपको बता दें, शिंदे ने 37 विधायकों का समर्थन भी हासिल करने का दावा किया है, बकायदा इनके हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी भी भेज दी है। बिल्कुल, और इसको डिप्टी स्पीकर के पास भेज दिया गया, गवर्नर के पास भेज दिया गया है। और इन सबके बीच नाना पटोले से भी बातचीत जी मीडिया ने की, हमारे सहयोगी ने, तो तमाम जो अपडेट है लगातार आप तक पहुंचा भी रहे हैं। और नाना पटोले कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी से बाहर जाने की बात जो संजय राउत ने कही थी वो उनके एक रणनीति का हिस्सा है।